गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल ड्रॉ होने के बाद ड्रॉअर के पास रहते हैं चार ऑप्शंस: रिटेल, डिस्काउंटिंग, इंडोर्स्ड एंड कलेक्शन। जिसमें से हमने रिटेल बिल का ऑनर डिसऑनर हमने कर लिया है। आज हम देखेंगे डिस्काउंटेड बिल ऑनर में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1 मई 2002 लक्ष्मी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू ललिता ऑन क्रेडिट। मेंशन भी नहीं होता तभी भी ये सेल क्रेडिट सेल ही होगा, क्योंकि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी सेल रहेगा दैट इज क्रेडिट सेल रहेगा, वेदर आपको क्वेश्चन में दिया हो क्रेडिट और ना दिया हो, इट इज अ स्टैंडर्ड अजम्पशन कि वो क्रेडिट सेल है। देन ऑन नेक्स्ट डे, दैट मीन्स सेल हुआ है ऑन 1 मई, ऑन नेक्स्ट डे दैट मीन्स ऑन 2 मई ललिता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय लक्ष्मी। ललिता ने बिल एक्सेप्ट किया जो लक्ष्मी ने बिल ड्रॉ किया। ऑन द सेम डे दैट मीन्स जिस डेट को बिल ड्रॉ हुआ एक्सेप्ट हुआ, ऑन द सेम डे दैट इज ऑन 2 मई लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। अंडरलाइन एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल ललिता ऑनर्ड द बिल। अंडरलाइन ऑनर्ड। पांच जर्नल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स, दोनों बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब आपको हम स्टार्ट करते हैं पहले डायग्राम में इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है ऑन 1 मई 2002 लक्ष्मी सोल्ड गुड्स टू ललिता। तो हु इज सेलर, लक्ष्मी इज सेलर। तो जो सेलर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो लिखते हैं लक्ष्मी सोल्ड गुड्स टू ललिता इन डायग्राम 1st ट्रांजैक्शन सेल 1 मई 2002 डेट दिया हुआ है एंड अमाउंट ऑफ सेल 50,000। सारे ट्रांजैक्शंस को मैंने डायग्राम में रिकॉर्ड कर लिए, सारे डिटेल्स को मैंने डायग्राम में रिकॉर्ड कर दिया। लक्ष्मी सोल्ड गुड्स टू ललिता, तो लक्ष्मी सेलर, जो सेलर है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करूंगी। लक्ष्मी सोल्ड गुड्स टू ललिता 1st ट्रांजैक्शन सेल ऑन 1 मई एंड अमाउंट इज 50,000। ऑन नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 2 मई ललिता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय लक्ष्मी। दैट मीन्स हु एक्सेप्टेड द बिल, ललिता। दैट मीन्स हु ड्रॉज द बिल, लक्ष्मी। दैट मीन्स लक्ष्मी ड्रॉज द बिल ऑन ललिता विच इज एक्सेप्टेड बाय ललिता। इस ट्रांजैक्शन को मैं डायग्राम में कैसे शो करूंगी, लक्ष्मी ड्रॉज द बिल, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट बिल ड्रॉज। उसने बिल स्टैम्प पेपर लिया, रिटर्न प्रॉमिस किया, उसके ऊपर अपना साइन किया और वो एक्सेप्टेंस के लिए किसके पास गई, ललिता के पास। ललिता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय लक्ष्मी। ललिता ने वो बिल एक्सेप्ट किया यानी साइन किया और वो बिल हैंड ओवर कर दिया लक्ष्मी को। ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हमारा 2nd रहेगा, डेट रहेगी 2 मई क्योंकि नेक्स्ट डे कहा है। एंड इस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द सेम अमाउंट 50,000 फॉर 2 मंथ्स, पीरियड ऑफ ग्रेस 2 मंथ्स। इस तरीके से सारे डिटेल्स मैंने डायग्राम में रिकॉर्ड कर दिए हैं। लक्ष्मी ड्रॉज अ बिल ऑन ललिता, तो मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया। ललिता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय लक्ष्मी एंड रिटर्न इट टू लक्ष्मी। 2nd ट्रांजैक्शन 2 मई 2002 बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 50,000 फॉर 2 मंथ्स। ये हर क्वेश्चन में हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब ड्रॉवर के पास दैट मीन्स लक्ष्मी के पास बिल एक्सेप्ट करके आने के बाद रहेंगे चार ऑप्शंस। कौन से
फर्स्ट रिटेन या वो 2 मंथ्स तक अपने पास ही रख सकती है, या सेकेंड ऑप्शन यस डिस्काउंटेड विद बैंक। क्यों किया जाता है बैंक के पास डिस्काउंटिंग? सबको मालूम है इमीडिएट कैश की जरूरत है, तो वो बिल को एनकैश कर सकती है बैंक के साथ, यानी बैंक को बिल देके बैंक से अमाउंट रिकवर कर सकती है, बट बैंक इसके लिए चार्जेस डिडक्ट करता है। देन सेकंड थर्ड ऑप्शन इज किसी थर्ड पार्टी को उसने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज बिल इज एंडोर्स। एंड लास्ट ऑप्शन इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस केस में बैंक आपको कोई भी इमीडिएट पैसा नहीं देती, बैंक आपको कब देगी? रिकवर करने के बाद, कलेक्शन होने के बाद। ये चार ऑप्शन में से लक्ष्मी कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकती है। इस क्वेश्चन में लक्ष्मी ने क्या किया, आपको दिया हुआ है ऑन द सेम डे, दैट मींस जिस डेट को बिल एक्सेप्ट करके मिला उसी डेट को लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक। अंडरलाइन डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक, जब टर्म डिस्काउंटेड मेंशन है इसका मतलब है कि लक्ष्मी को आज ही पैसे की जरूरत है। ललिता से तो नहीं मिल सकता क्योंकि उसने 2 मंथ्स बोला है, तो वो उसको आज पैसा देगा कौन इस बिल के अगेंस्ट? तो बैंक देगा। इसीलिए आपको दिया है लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक, दैट मींस लक्ष्मी गई बैंक के पास। तो हम एरो शो करेंगे लक्ष्मी टूवर्ड्स बैंक, वो बैंक के पास है, बैंक को पूरा 50,000 का बिल दिया और कहा इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दो और 2 मंथ्स के बाद आप ये अमाउंट किससे रिकवर कर लो? ललिता से रिकवर कर लो, ऐसा लक्ष्मी ने बैंक को कहा। तो यानी लक्ष्मी ने अपने पास का बिल बैंक को दिया 50,000 का, बट बैंक इसके अगेंस्ट पेमेंट करती है बट अपने चार्जेस डिडक्ट करती है। कितने चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए आपको क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपको दिया हुआ है ऑन द सेम डे लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। बैंक ने इसके लिए कितने चार्जेस डिडक्ट किए? 100। यानी लक्ष्मी ने बिल दिया 50,000 का, लिखेंगे सभी, लक्ष्मी ने बिल दिया 50,000 का बट बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए? दिया है 100, तो हम 100 ही लेंगे। 100 चार्जेस अपने डिडक्ट करके बैंक ने लक्ष्मी को कितनी कैश हैंडओवर की होगी? 49,900। 100 का क्या होगा, कौन बेयर करेगा, देखेंगे धीरे धीरे। ठीक, अब ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक ऑन सेम डे, दैट मींस ऑन 2nd May। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा रहेगा 2nd May का, जिसको हम कहेंगे डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में हम क्या करेंगे, बिल देंगे, बैंक से पैसा लेंगे। लक्ष्मी ने बिल दिया 50 का, बैंक ने पैसा दिया बट बैंक ने इसमें से चार्जेस डिडक्ट किए, उस चार्जेस को डिस्काउंट टर्म यूज की जाती है। कितने चार्जेस डिडक्ट किए? 100 रुपीज, और रिमेनिंग अमाउंट लक्ष्मी को हैंडओवर कर दी। ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें जर्नल में शो करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के कारण अब बिल किसके पास आ चुका है? यस, बैंक के पास। बैंक को लक्ष्मी ने कहा था हमें तुरंत पैसे दो और 2 मंथ्स के बाद आपको ये पैसा कौन दे देगी? ललिता दे देगी। कब देगी? 2 मंथ्स के बाद, दैट मींस ऑन ड्यू डेट, दैट मींस ऑन मैच्योरिटी डेट। कितना है मैच्योरिटी, कौन से डेट को मैच्योरिटी डेट आएगी, क्या हुआ इस डेट को, हम देखते हैं आगे। आपको दिया हुआ है ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल, दैट मींस ऑन ड्यू डेट। ललिता ऑनर द बिल, उसने अच्छा काम किया, उसने बैंक को पैसे दे दिए, दैट मींस ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल, दैट इज ऑन ड्यू डेट। रिकवरी के लिए कौन किसके पास जाएगा? बिल किसके पास है ऑन ड्यू डेट? बैंक के पास। तो बैंक जाएगी रिकवरी के लिए ललिता के पास, तो मैंने एरो शो किया ललिता की तरफ। हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन रहेगा ऑन मैच्योरिटी डेट, दैट मींस ऑन ड्यू डेट। तो मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहां से कैलकुलेट की जाती है ड्यू डेट? फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कौन से डेट को बिल उसने एक्सेप्ट किया था? यस, 2nd May को।
ड्यू डेट आएगी 2 मई से हम आगे जाएंगे 2 मंथ्स, मई से आगे जाते हैं पहले 2 मंथ्स, जून जुलाई, 2 जुलाई को हमारा टर्म कंप्लीट हुआ, प्लस कंपल्सरीली उसको और 3 डेज ग्रेस डेज दिए जाते हैं और रिकवरी उससे हम लेंगे 5 जुलाई, तो बैंक कब जाएगी रिकवरी के लिए ऑन 5 जुलाई, तो डेट रहेगी 5 जुलाई। वेदर बिल इज ऑनर और डिसऑनर, ललिता ऑनर द बिल यानी मैंने लिखा एच। देखेंगे पूरा डायग्राम सबको समझा है क्या, सबसे पहले तो से कोई डाउट होना ही चाहिए, लक्ष्मी सोल्ड बुक्स टू ललिता, सबको क्लियर है। फॉर डैड लक्ष्मी ड्रॉज अ बिल ऑन ललिता विच इज एक्सेप्टेड बाय ललिता, ये तो सबको आता है। अब उसके पास है 4 ऑप्शंस, एक्सेप्टेंस होने के बाद वो रिटेल डिस्काउंटिंग एंडोर्स कलेक्शन कुछ भी कर सकती है। उसने क्या किया, डिस्काउंटिंग ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या होता है डिस्काउंटिंग में, हम बिल लेके बैंक के पास जाएंगे और बैंक से इमीडिएट उसके अगेंस्ट पैसे लेंगे, बट बैंक आपको इसके लिए चार्जेस डिडक्ट करती है। तो हमने उसको डायग्राम में शो किया, लक्ष्मी डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक, यानी लक्ष्मी ने अपने पास का बिल बैंक को दिया, तो मैंने एरो शो किया लक्ष्मी टुवर्ड्स बैंक, उसने बिल दिया बैंक को तो इसलिए मैंने एरो शो किया टुवर्ड्स बैंक। बिल दिया बदले में कैश ले ली, बट कितनी कैश रिकवर की आफ्टर डिडक्टिंग 100 रुपीज एज डिस्काउंट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। जो बैंक हमसे चार्जेस लेती है उसको टर्म दिया जाता है डिस्काउंट, तो 50,000 में से बैंक ने 100 रुपीज अपने चार्जेस डिडक्ट किए और 49,900 कैश लक्ष्मी को हैंडओवर कर दी। अब बिल है बैंक के पास, तो रिकवरी के लिए ड्यू डेट पे बैंक जाएगी ललिता के पास, तो मैंने एरो शो किया बैंक गई ललिता के पास, तो एरो टुवर्ड्स ललिता। क्या हुआ इस डेट को, ललिता ऑनर द बिल, तो मैंने लिखा एच, दैट मींस ऑनर। पहला क्वेश्चन हम डिस्काउंटिंग का देख रहे हैं तो बच्चे सोचेंगे कि उसने पैसे दे दिए, ठीक। तो हम देखते हैं अब इन चारों ट्रांजैक्शंस को जर्नल में किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके से इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो मुझे लक्ष्मी के लिए एंट्रीज करनी है, मुझे ललिता के लिए एंट्रीज करनी है, आपको कभी भी बैंक के लिए एंट्रीज नहीं पूछेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 5 जर्नल एंट्रीज इन बोथ दी बुक्स, तो मुझे दोनों बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, सभी मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी, हाफ पेज फॉर लक्ष्मी, क्योंकि 4 ही ट्रांजैक्शंस है तो हम हाफ हाफ पेज को डिवाइड कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग हाफ पेज जर्नल फॉर ललिता, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ललिता, सभी पूरे हेडिंग्स देंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। करेंगे फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करो, 2 मिनट दे रही हूं। अब आपको क्वेश्चन में अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस को मैंने डायग्राम में रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम डायग्राम को देखते हुए जर्नल को फॉर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत कुछ बताता है कि किसके पास बिल है, कौन जा रहा किसके पास, इसीलिए हम पहले हमेशा ट्रांजैक्शंस को डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल का, आज मेरे साथ करेंगे बट नेक्स्ट पीरियड ऑनवर्ड्स फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको ही कंप्लीट करके रख देनी है, ठीक। तो सेल
एंट्री फॉर लक्ष्मी एंड एंट्री फॉर ललिता. पहले तो सोचेंगे सेल किसके लिए है. लक्ष्मी सोल्ड गुड्स टू ललिता, यानी सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है लक्ष्मी के लिए. तो लक्ष्मी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स अकाउंट को मेंटेन करेगी. सेल्स यानी गुड्स बेची है तो पैसा उसको मिलना ही है, आज नहीं तो फ्यूचर. तो इसके अगेंस्ट हमें अमाउंट रिसीव होती है सेल के अगेंस्ट. दैट मीन सेल्स इज अवर ऑलवेज इनकम, और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं क्योंकि रूल ही होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो हम 1 मई 2002 को लक्ष्मी के बुक्स में सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट हमेशा नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है. तो फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखते हुए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया. बट ये सेल्स क्या कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेल रहेगा वो हमेशा क्रेडिट सेल होता है. यानी आज लक्ष्मी को इसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं हुई, 1 मई को नहीं हुई, 2 मंथ्स के बाद मिलने वाली है, बट 1 मई को तो नहीं रिसीव हुआ था, तो हम कैश को डेबिट नहीं कर सकते. फिर आज पैसा नहीं मिला बट फ्यूचर में तो मिलेगा. फ्रॉम होम इट इज रिसीवेबल, वो लिख के रखेगी कि ये गुड्स मैंने किसको सेल की, ललिता को सेल किया. तो डेबिट द रिसीवर करके भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या ललिता से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है ऐसा भी रिकॉर्ड कर सकते हो. तो मैंने इनके पास की ललिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैंक गुड्स sold on credit, being goods, जिसको गुड सेल किए है ललिता को, इसीलिए हमने एंट्री पास की ललिता टू सेल्स being goods sold on credit. सेम ट्रांजैक्शन लक्ष्मी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, बट लक्ष्मी के लिए वो सेल नहीं है. ललिता अगर गुड सेल कर रही है तो लक्ष्मी अगर गुड्स सेल कर रही है तो ललिता गुड्स परचेस कर रही है. तो सेम ट्रांजैक्शन ललिता के लिए क्या होगा, परचेस का. उसने गुड्स परचेस की है. जब हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है. दैट मीन्स परचेस इज अवर ऑलवेज एक्सपेंस. रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 परचेस अकाउंट डेबिट अगेंस्ट परचेस. क्या ललिता ने इमीडिएट पेमेंट किया कि 2 मंथ्स के बाद करने वाली है? 2 मंथ्स के बाद, अगर 1 मई को उसके पॉकेट से कोई भी कैश नहीं गई तो वो कैश को क्रेडिट नहीं कर सकती. आज पेमेंट नहीं किया बट करना तो पड़ेगा इन फ्यूचर में. टू होम इट इज पेबल टू लक्ष्मी, उसने ये गुड्स किससे परचेस की है, लक्ष्मी से. इसीलिए हम लक्ष्मी को करेंगे क्रेडिट, एज लक्ष्मी इज गिवर ऑफ गुड्स. ऐसा सोचते हुए भी हम लक्ष्मी को क्रेडिट कर सकते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में. और ये एंट्री मैंने पहली कहा है कि आपको हर क्वेश्चन में दी जाएगी, तो एंट्री रिमेन सेम. सेल की एंट्री कभी भी पूछूंगी आना चाहिए, परचेस की एंट्री कभी भी पूछूंगी आना चाहिए. ठीक ना. सेकंड, बिल ड्रॉज ऑन ललिता विच इज एक्सेप्टेड बाय ललिता एंड रिटर्न इट टू लक्ष्मी. बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करके ललिता ने बिल लक्ष्मी को दिया. डेट मीन्स फॉर लक्ष्मी, उसको बिल मिल रहा है ना एक्सेप्ट करके. डेट मीन्स फॉर लक्ष्मी बिल इज कमिंग इन. तो हम 2 मई को, इसका डेट 2 मई है, बिल इज कमिंग इन बिल्स अकाउंट डेबिट, बट वो बिल्स का अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर फ्रॉम ललिता, इसीलिए वो बिल को नाम देती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. कैश की जगह उसने क्या किया, एक रिटर्न प्रॉमिस एक्सेप्ट करके दिया. कैश नहीं मिला बट बिल मिला है, तो बिल इज कमिंग इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. बट ये एक्सेप्ट करके बिल दे कौन रहा है, ललिता दे रही है. डेट मीन्स वो लिख के रखेगी ये जो बिल मिला, हु इज द गिवर ऑफ दैट बिल, ललिता इज गिवर. इसलिए ललिता अकाउंट क्रेडिट 50,000 बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड.
ring bill, drawn and accepted. Done. Now, same transaction for Lalita. Lalita ने bill accept करके लक्ष्मी को दिया, यानी उसके पास से bill बाहर गया. Credit word goes out. Cash ना देते हुए उसने एक written promise accept किया. Bill is going out, bill is payable account credit. But ये जो bill उसने दिया, किसे दिया? Who is the receiver of bill? Lakshmi is receiver. Lakshmi account credit. Been withdrawn and accepted. Same entries. हर क्वेश्चन में, right? Now, next. अब है next option जो हम first time पढ़ रहे हैं. ध्यान सबका और समझ में आना ही चाहिए. नहीं समझा? वीडियो को आप revise कर सकते हो, बार बार देख के. अब बिल था एक्सेप्टेंस के बाद लक्ष्मी के पास. लक्ष्मी इस बिल का चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकती है. लक्ष्मी ने इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन चूज किया? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. मैं बोल रही हूं, आप एंट्री फॉर्म कर सकते हो. ध्यान सबका. उसे बिल बैंक को दिया फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस. इसका क्या मीनिंग है? उसको इमीडिएट पैसे चाहिए, तो ललिता से तो नहीं मिल सकते, इसीलिए वो बिल लेके इमीडिएट सेम डे किसके पास गई? बैंक के पास. बैंक को कहा ये ललिता ने एक्सेप्ट किया है, बट उसका अमाउंट वो 2 मंथ्स के बाद दे रही है, तो इसके अगेंस्ट आप मुझे इमीडिएट पैसा पे करो और 2 मंथ्स के बाद ये अमाउंट आपको ललिता दे देगी. तो बैंक एग्री करता है क्योंकि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो लीगल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट बैंक लक्ष्मी को पेमेंट करेगा, बट बैंक को 2 महीना रुकना है ना, उसके बाद ललिता पेमेंट करने वाली है ना, तो ये 2 मंथ्स के चार्जेस बैंक डिडक्ट करता है. तो बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए ऐसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपीज. ठीक. तो बैंक को ललिता से बिल मिला और बैंक ने तुरंत ललिता को सॉरी बैंक को लक्ष्मी से बिल मिला और बैंक ने तुरंत लक्ष्मी को कैश हैंड ओवर की, बट अपने 100 रुपीज निकाल के हैंड ओवर की. अब इस पूरे ट्रांजैक्शन को मुझे रिकॉर्ड करना है, इसको मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है. सबसे पहले मैं सोचती हूँ लक्ष्मी के लिए, क्योंकि बैंक के बुक्स में तो मुझे इंटरेस्ट कर देंगे. तो जब मैं लक्ष्मी के बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे हर एक ट्रांजैक्शन लक्ष्मी के लिए सोचना है, लक्ष्मी बन के सोचना है. तो हम बन जाते हैं लक्ष्मी. हम सोचेंगे लक्ष्मी के एंगल से. कैसे सोचेंगे? लक्ष्मी ने अपने पास का बिल बैंक को दिया. सिंपल ट्रांजैक्शन. अपने पास का बिल बैंक को दिया, दैट मींस फॉर लक्ष्मी बिल इज गोइंग आउट. बराबर. बिल देगी उसके बाद ही पैसा मिलेगा. बैंक को उसने बिल दिया, बदले में बैंक से पैसा लिया. व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट आप रिकलेक्ट विजुअलाइज कर सकते हो. लक्ष्मी ने अपने पास का बिल दिया 50,000 का. अगेंस्ट बिल लक्ष्मी से बैंक से अमाउंट रिसीव हुई, बट फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुई. बैंक ने 100 रुपीज डिडक्ट करके कैश रिसीव हुई 49,900. क्या हो रहा है लक्ष्मी के लिए? लक्ष्मी ने बिल दिया 50 का. अगेंस्ट 50,000 का बिल बैंक से कैश लिया 49,900 का. यानी 100 रुपीज लक्ष्मी को नहीं मिले, यानी लक्ष्मी का हुआ एक्सपेंस, लक्ष्मी का हुआ लॉस. वो एक्सपेंस और लॉस भी लक्ष्मी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हर एक अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है. तो लक्ष्मी पहले रिकॉर्ड करेगी, हमने 50,000 का बिल दिया. एंट्री आप फॉर्म कर रहे हो, मैं नहीं. बिल दिया 50,000 का, अगेंस्ट 50,000 कैश रिसीव हुई 49.
टाइम 900 और 100 रुपीज उसका लॉस हुआ, उस लॉस को नाम दिया गया डिस्काउंट, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर मैं देखती हूं तो मुझे तीन अकाउंट दिख रहे हैं जिसको मुझे डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का। सबसे पहला उसने बिल दिया, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बिल्स अकाउंट, और लक्ष्मी के लिए वो होता है बिल्स रिसीवेबल। तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बिल्स रिसीवेबल, उसने बिल दिया तो पहला अकाउंट बिल्स रिसीवेबल। अगेंस्ट बिल कैश रिसीव हुई, दैट मींस सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। बट फुल कैश नहीं मिली ना, 100 रुपीज उसको कम मिले, यानी उसका लॉस हुआ, वो लॉस को भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वो लॉस का नाम दिया गया है डिस्काउंट अकाउंट क्वेश्चन में। तो मेरा थर्ड अकाउंट रहेगा डिस्काउंट अकाउंट। अब इन तीनों को मुझे डेबिट क्रेडिट का डिसीजन देना है। पहले 2 मिनट आप दो, देखो कौन कनेक्ट करता है और फिर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी बोर्ड पे। पहले एक बार वापस, लक्ष्मी ने बैंक को बिल दिया, वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बिल अकाउंट। लक्ष्मी ने बिल दिया, लक्ष्मी के एंगल से सोचना है। अगेंस्ट बिल बैंक से लक्ष्मी को पैसे मिले, कैश अकाउंट, बराबर। बट फुल पेमेंट नहीं मिला, 100 रुपीज बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट किए, तो 100 रुपीज लक्ष्मी को कम मिल रहे हैं, यानी लक्ष्मी के लिए हुआ लॉस, लक्ष्मी के लिए हुआ एक्सपेंस। वो एक्सपेंस को नाम दिया गया है डिस्काउंट अकाउंट, यानी इस ट्रांजैक्शन की जब मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगी तो मुझे तीन अकाउंट दिख रहे हैं, बिल, कैश, डिस्काउंट। पहले आप डिसीजन देंगे, आपको आएगा जल्दी से बिल, कैश एंड डिस्काउंट। अकाउंट को रूल के अनुसार ही आपको डेबिट क्रेडिट करना है, तीनों रूल्स आपको मालूम है। कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंस इनकम, रिसीवर गिवर, जो भी आपको लगता है वो रूल अप्लाई करो एंड टेक द डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड फॉर्म द जर्नल एंट्री। शायद हो चुका है, लक्ष्मी बन के मुझे सोचना है, मैं बन गई लक्ष्मी। लक्ष्मी ने क्या किया, पहले तो अपने पॉकेट का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया, दैट मींस फॉर लक्ष्मी बिल इज गोइंग आउट। जब बिल बाहर जाएगा तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैंने थोड़ा स्पेस देते हुए मैं क्रेडिट ले लिया रिसीवर, तो मैंने पहले क्रेडिट कर दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल था, 50 का, तो बाहर भी कितने का जाएगा, 50 का ही जाएगा। अगर मैंने रिटर्न प्रॉमिस 50,000 का बनवाया था तो चाहे वो कम सीन हो, गोज आउट हो, वो विद सेम अमाउंट रहेगा। तो बिल उसने बैंक को दिया 50,000 का, अगेंस्ट 50,000 बैंक को उसने कहा मुझे पेमेंट करो। बैंक पेमेंट जरूर करता है बट अपने चार्जेस डिडक्ट करके करता है। बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए, 100 रुपीज, यानी बैंक ने लक्ष्मी को कितनी कैश हैंड ओवर की, 49,900। दैट मींस फॉर लक्ष्मी कैश इज कमिंग इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट 49,900। बट ऐसा अकाउंटिंग में नहीं चलता, जितना क्रेडिट उतना डेबिट होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का बैलेंस देखती हूँ तो वो 100 है, और वो 100 क्या है, बैंक के चार्जेस है, और इस चार्जेस को वो कह रहे हैं कि कौन सा नाम दो, डिस्काउंट नाम दो, एंड इसीलिए ये 100 रुपीज के सामने मुझे डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, बट ये 100 रुपीज डेबिट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी को 100 रुपीज कम मिले, यानी लक्ष्मी के लिए वो एक्सपेंस हुआ, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, क्योंकि 100 रुपीज उसको कम मिले। ये लॉस वो खुद बेयर करेगी, क्यों, क्योंकि उसने अपने मर्जी से बैंक को बिल दिया है, तो उसके ऊपर जो भी लॉस होगा वो उसको खुद को बेयर करना है। ये लॉस वो कभी भी ललिता से रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि ललिता इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। ललिता ने ये नहीं कहा कि आपको बैंक को बिल
डिस्काउंट करो या एंडोर्स करो, ये उसने अपनी मर्जी से किया है कि उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा वो लक्ष्मी खुद बेयर करेगी। जो बेयर करता है वही वो एक्सपेंस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। लक्ष्मी खुद बेयर करने वाली है, इसलिए लक्ष्मी उस एक्सपेंस को नाम देगी डिस्काउंट अकाउंट। ये 100 रुपीज वो ललिता से रिकवर नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने खुशी से बैंक को दिया है बिल, तो वो उसके ऊपर का लॉस भी वो खुद बेयर करेगी। इसलिए मेरे पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश, बैंक अकाउंट को डेबिट करना ज्यादा करेक्ट है। क्योंकि बैंक क्या करेगी, आपको जो कैश देगी वैसे आपको हाथ में नहीं देगी, आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगी। इसीलिए कैश भी लिखते हो गलत नहीं है, बट ज्यादा करेक्ट क्या रहेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना ज्यादा करेक्ट है। और नरेशन लिखेंगे हम बिल, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उसने बिल बैंक को दिया, दैट मींस बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सबसे पहले बिल को क्रेडिट कर दो। अंदर आया तो बिल्स रिसीवेबल, बाहर भी जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अंदर आया 50,000, बाहर भी जाएगा 50,000। अगेंस्ट बिल कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। बट अमाउंट रिसीव हुई 50,000 के अगेंस्ट 49,900, यानी लक्ष्मी को 100 रुपीज बैंक से कम मिले, लक्ष्मी के लिए हुआ लॉस। वो लॉस वो खुद बेयर करेगी, किसी से रिकवर नहीं कर सकती। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए 100 को मुझे डेबिट करना पड़ेगा और उस एक्सपेंस को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग जब होगा तो उस एक्सपेंस को हम नाम देते हैं डिस्काउंट, इसलिए इनके पास होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये होगी एंट्री थर्ड ट्रांजैक्शन की फॉर लक्ष्मी। अब हम सेम ट्रांजैक्शन सोचेंगे फॉर ललिता, क्योंकि दो सारे ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होंगे ना। तो अगर लक्ष्मी ने बिल बैंक को दिया, बैंक ने लक्ष्मी को पैसे दिए, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री ललिता भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। अब आप सोचेंगे कि ललिता के लिए क्या होगा थर्ड ट्रांजैक्शन में, तो सभी सोचेंगे एंट्री फॉर ललिता सेकेंड में, फॉर ललिता व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, एक्सपेंस इनकम, ये सब आप ललिता के लिए सोचिए। सोच लिया इसे, यस मुझे बताओ क्या ललिता इसकी कोई एंट्री पास कर सकती है इस ट्रांजैक्शन में? ये दूर बैठी ललिता इन्वॉल्व है क्या? लक्ष्मी कुछ भी करे ना, बिल का एंडोर्स करे, कलेक्शन के लिए दे, डिस्काउंटिंग दे, इसमें ललिता कहीं इन्वॉल्व रहेगी क्या? ललिता इन्वॉल्व नहीं रहेगी, इसीलिए ललिता के लिए ये कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो ललिता इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। ये ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ लक्ष्मी और बैंक के बीच में, तो ये ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी लक्ष्मी एज वेल एज बैंक। बट बैंक के लिए हमें सोचना नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में ललिता कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी एंट्री ललिता कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगी। समझा है सबको? अब लास्ट एंट्री दैट इज ऑनर्ड। डिस्काउंटिंग के बाद सेकेंड मे को बिल आ चुका था बैंक के पास। बैंक ने लक्ष्मी को तो पैसे दे दिए थे और लक्ष्मी ने कहा था कि ये जो कैश है ना वो आप ड्यू डेट पे यानी 5 जुलाई को आपको कौन पैसे दे देगा? ललिता दे देगी। क्या ललिता ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल? ऑनर द बिल, उसने पैसे दे दिए। तो ट्रांजैक्शन को जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे तीनों के लिए पहले सोचना है। सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ कि ड्यू डेट पे बिल किसके पास था? बैंक के पास। रिकवरी के लिए बैंक गई ललिता के पास।
देखो आपने प्रॉमिस किया है, जो बिल लक्ष्मी ने ड्रॉ किया था उसने मुझे डिस्काउंटिंग किया था, इसलिए ये रिकवरी के लिए मैं आपके पास आया हूं, तो इस बिल के अगेंस्ट आपको अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक ड्यू डेट पे जाएगी ललिता के पास, अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज पहले वो ललिता को दे देगा। देखो ये प्रॉमिस किया है, इसके अगेंस्ट पैसे दो। पेमेंट होता है तो ऑनर, नहीं होता है तो डिसऑनर। वापस ड्यू डेट पे बिल किसके पास था? बैंक के पास। रिकवरी के लिए बैंक गई ललिता के पास, अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज ललिता को दे दिया। ललिता ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल? ऑनर, यानी ललिता ने बैंक को पेमेंट कर दिया। कितना अमाउंट ललिता को देना था? 50। तो बैंक को भी कितना अमाउंट मिलेगी? वो 50। भले ही बैंक ने लक्ष्मी को 49,900 दिए हैं, ये डिस्काउंट उसके लिए इनकम है, उसे चार्जेस अपने डिडक्ट कर लिए थे, यानी ये 100 रुपीज के चार्जेस इनकम के लिए बैंक के काम कर दिए। ठीक, तो ललिता से बैंक पूरा पैसा लेंगे 50,000, तो ये चार्जेस उसका इनकम है, बट वो बैंक अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, बट हमें बैंक के लिए सोचना नहीं है, हम सोचेंगे पहले ललिता के लिए और लक्ष्मी के लिए। ट्रांजैक्शन क्या हुआ वापस एक बार, बिल था ड्यू डेट पे बैंक के पास, बैंक गई 5 जुलाई को ललिता के पास, देखो प्रॉमिस किया पैसे दो, अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने पहले ललिता को दे दिया। ललिता ऑनर द बिल, ललिता ने पेमेंट कर दिया बैंक को। कितना पेमेंट किया? पूरा 50,000, क्योंकि उसको पूरे पैसे दे रहे थे, उसने 50,000 का पेमेंट बैंक को कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये कैश बैंक लक्ष्मी को वापस करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी लक्ष्मी को पैसे दे दिए थे 49,900, उसने वो 100 रुपीज का लॉस बैक कर लिया। तो बैंक को जब ललिता से पेमेंट रिसीव होता है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन में दूर बैठी लक्ष्मी इन्वॉल्व है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बिल बैंक के पास था, बैंक गई ललिता के पास, बिल दिया, ललिता ने पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। बैंक से जो पैसे मिल रहे थे, बैंक को जो पैसे मिल रहे थे, वो उसको पैसे मिल गए ललिता से। तो बैंक और ललिता ही इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहेगी, लक्ष्मी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसने पहले बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, आप मुझे पेमेंट करो और फ्यूचर में किससे पेमेंट ले लो? ललिता से ले लो, ललिता ने दे दिया। तो लक्ष्मी इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, इसीलिए 5 जुलाई को लक्ष्मी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बैंक को उसने पेमेंट कर दिया तो रोल खत्म हो गया, तो वो यहाँ लक्ष्मी इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। एक बार वापस, लक्ष्मी ने बिल बैंक को दिया था और बैंक से पैसे ले लिए थे, और कहा था ये पैसा 2 महीने के बाद किससे कलेक्ट करो? ललिता से कलेक्ट करो। तो 2 महीने के बाद बैंक गई ललिता के पास, बिल दिया, पैसे ले लिए, क्या इसमें कहीं लक्ष्मी इन्वॉल्व है क्या? कहीं भी नहीं। तो लक्ष्मी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी, इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहेगी बैंक एज वेल एज ललिता, बट मुझे बैंक के लिए सोचना नहीं है, मुझे ललिता के लिए सोचना है। तो 5 जुलाई को मैं ललिता बन के एंट्री सोचती हूँ, ललिता के एंगल से एंट्री सोचती हूँ, क्या एंट्री शो रिकॉर्ड करेगी ललिता? अब मैं बन गई ललिता, ललिता ड्यू डेट पे क्या हो रहा है ललिता के लिए? बैंक से बिल मिला, सबसे पहले उसको बिल मिल जाएगा। ठीक, उसने कहा देखा, हाँ यस, मैंने प्रॉमिस किया था 50,000 रुपीज देने का, मुझे मंजूर है, ये लो 50,000। यानी फॉर ललिता सबसे पहले बिल इज कमिंग इन, एंड अगेंस्ट बिल उसने पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट, यानी एंट्री क्या पास होगी फॉर ललिता? बिल इज कमिंग इन, बिल पेबल अकाउंट है, पूरे 50,000 का उसको बिल मिलेगा, क्योंकि बिल 50,000 का था। अगेंस्ट 50,000 ललिता को बैंक को पूरे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पूरा पेमेंट करना था 50,000। बट कैश की जगह पे हम क्या कर देंगे? बैंक को क्रेडिट करना ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो बैंक
क्या करेगी, उसके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर लेगी, तो उसके अकाउंट में से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना ज्यादा करेक्ट है। कैश भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 85 बिल्स पेबल टू कैश, इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ बैंक और ललिता ही इन्वॉल्व है। बैंक जा रही है ललिता के पास, ललिता ने बैंक को पैसे दे दिए। यहाँ ट्रांजैक्शन में लक्ष्मी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए लक्ष्मी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। देखो सबको समझाएगी, फर्स्ट टू एंट्रीज में तो कोई डाउट नहीं है, सेल एंड विड्रॉ। थर्ड एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, लक्ष्मी ने बिल डिस्काउंटिंग किया बैंक के साथ, यानी लक्ष्मी ने बिल दिया, अगेंस्ट बिल लक्ष्मी ने तुरंत बैंक से पैसे ले लिए। जो भी चार्जेस बैंक डिडक्ट करेगी वो चार्जेस को बेयर लक्ष्मी करने के लिए रेडी है। ठीक, तो बैंक ने क्या किया, 50,000 का बिल रख लिया और लक्ष्मी को 100 रुपीज डिडक्ट करके 49,900 रुपीज पैसे दे दिए। इस ट्रांजैक्शन में ललिता कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो ललिता इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। ये थर्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है लक्ष्मी एंड बैंक के लिए, मुझे बैंक के लिए सोचना नहीं। फॉर लक्ष्मी बिल इज गोइंग आउट, अगेंस्ट बिल कैश इज कमिंग इन। 50 का बिल दिया, 49,900 की कैश ली, यानी 100 रुपीज का लक्ष्मी के लिए हुआ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस लॉस को उसने नाम दिया डिस्काउंट अकाउंट। अब बिल था ड्यू डेट पे बैंक के पास, बैंक गई ललिता के पास, बिल दिया, पैसे मिल गए। क्या वापस बैंक ये लक्ष्मी को पैसे दे दी थे? नहीं, लक्ष्मी को तो उसने थर्ड को ही थर्ड ट्रांजैक्शन में पैसे दे दिए थे। अब ललिता से जब बैंक को पैसे मिले तो इस ट्रांजैक्शन में लक्ष्मी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो लक्ष्मी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। बैंक के लिए मुझे सोचना नहीं है, हम सोचेंगे ललिता के लिए। ललिता के लिए सबसे पहले बिल इज कमिंग इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड अगेंस्ट बिल उसने बैंक को पेमेंट कर दिया, कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से डिस्काउंटिंग में ट्रीटमेंट की जाती है अकाउंटिंग की। ठीक, तो जो भी डाउट्स हैं लाइव सेशन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम कल देखेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अगर बैंक को पैसे नहीं मिलते ललिता को तो बैंक क्या करेगी। ठीक, तो कल देखेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। जो भी डाउट्स है आ जाओ फटाफट लाइव सेशन में, इसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।